Hello student, good morning all of you. Today I am teach you standard 3rd subject maths chapter number 14. जो हमने workbook chapter 13 का जो workbook है वो हमने complete कर दिए हैं. And today is chapter number 14 rupees and paisa. Rupees mean paisa. जो हमारे पास notes होते हैं ना उसको क्या कहते हैं पैसा. तो उस पैसे के बारे में ये चैप्टर है. तो सबसे पहले क्या लिखा है, लेट्स मेक अ मनी पर्स. तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एक मनी यानी कि पैसे रखने इसके लिए पर्स बनाते हैं. आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन. क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉइन है, मैंने इकट्ठे किए हैं. बट आई डोंट हैव अ पर्स, लेकिन मेरे पास पर्स नहीं है. तो क्या कहा है यहाँ पे, तो पहले हमें पर्स बनाना है. तो टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको एक पेपर की जो ऐसे शीट लेनी है. एंड मेक अ फोल्ड एट द सेंटर, और आपको सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से. देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन खींची है, इस तरह से आपको उसको फोल्ड करना है. एंड फोल्ड द टू कॉर्नर्स ए एंड बी टू मीट एट द डॉटेड लाइन. और आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ए नंबर और इस फोल्ड पर दो टू बी नंबर देना है. और फिर इस कॉर्नर को आपको फोल्ड करना है. देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसे खींचिए, इस तरह से कॉर्नर ये है, इसको आपको फोल्ड करना है. Now the sheet will look like this. अब वो इस तरह से आपको वो sheet दिखेगी. Fold the top part of the sheet backward so that the back of the sheet look like this. अब क्या करना है आपको, जो ये sheet है उसको back side यानी कि पीछे मोड़ना है और वो इस तरह से आपको दिखेगी. एंड द फ्रंट लुक लाइक दिस, और फ्रंट साइड आपको इस तरह से दिखेगी. जो हमने कॉर्नर फोल्ड जो किए थे उसको बैकवर्ड्स में आपको फोल्ड करना है. और जो बैकवर्ड में आप फोल्ड करोगे सीट को, तो इस तरह से हमें ये दिखेगी सीट. प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द सीट अप एंड फोल्ड द एज सी डी एंड ई एफ टू मीट एट द डॉटेड लाइन. अब क्या करना है आपको, जो उसकी ये आगे की साइड है यहाँ पे आपको सी डी ई एफ ऐसे आपको नंबर देना है. और फिर क्या करना है, बीच में जो ये डॉटेड लाइन है उसको आपको इसे फोल्ड कर देना है. नाउ इट विल लुक लाइक दिस, अब वो आपको इस तरह से दिखेगी. जब आप उसको फोल्ड किया था वो आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह की सीट आपको दिखेगी. एंड फोल्ड डाउन द टॉप अलोंग द डॉटेड लाइन सो दैट द फिगर नाउ लुक लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, फोल्ड करना है, पहले डाउन फोल्ड करना है. यहाँ पे जो देखो ये आपको ये है, आपको उसको पहले फोल्ड करना है नीचे की साइड को. फोल्ड करके फिर आपको ये इस तरह का दिखेगा, फोल्ड करके. एंड फोल्ड द बैक फ्लैप डाउन, अब आपको क्या करना है, इसको फिर से पीछे की साइड से आपको फोल्ड करना है इसी तरह से. इस तरह की जो लाइन है इसको फिर से फोल्ड करना है. एंड द मनी पर्स इज द रेडी, और आपका जो मनी पर्स है वो रेडी हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको ट्रेस कैसे करते हैं वो हमें सीखना है. तो मनी फॉर आवर पर्स, हमारे पर्स के लिए हम मनी बनाएं. तो कलेक्ट डिफरेंस कॉइन, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉइन को हम पहले से पैसे को हम जो है उसको कॉइन्स को हम पहले कलेक्ट करेंगे. एंड कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल, प्लेस अ थिन पेपर ऑन इट. और आप इस कॉइन को फ्लैट टेबल पर रखोगे और उसके उसके ऊपर क्या करोगे, एक पेपर, पेपर मीन्स एक कागज़ कागज़ लोगे और उस पर उस सिक्के के ऊपर रखना है.
और सिक्का नीचे रखना है। विथ वन हैंड होल्ड द पेपर टाइट, और आप एक हाथ से पेपर को टाइट पकड़ना है। रब द टिप ऑफ द पेंसिल, कवर द पेपर सॉफ्टली टू ट्रेस द कॉइन। अब आपको कॉइन को ट्रेस करने के लिए पेंसिल की जगह, देखो ये पेंसिल की जो पॉइंट होती है उसको आप हल्के से ऐसे 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 घिसो उस पेपर पर। जब नीचे हमने जो सिक्का जो रखा है कॉइन, उसके ऊपर पेपर रख के आपको इस तरह से घिसना है पेंसिल की पॉइंट से। एंड स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर। अब धीरे धीरे आप ऐसे करोगे तो आपको जो कॉइन का फेस दिखेगा पेपर में। एंड कट आउट द ट्रेसेड कॉइन एंड कीप देम इन योर पर्स। अब आपको देखो इस तरह का कुछ आपको पैसे दिखेंगे। जब आपको ये पेंसिल से कागज रख के सिक्कों को ट्रेस करेंगे तो उस ट्रेस को आपको धीरे से कट करना है, और इससे आपको क्या करना है, अपने पर्स में इसको कट करके जो हमने पर्स बनाया था उसमें आपको इस सिक्के को रखना है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये सिक्के बन जाएंगे आपके, फिर आपको इसको कट कर देना है। नेक्स्ट पेज पर नाउ मेक अ नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन ईच। अब आपको नोट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप पेपर है उसको कट करेंगे उस साइज के, फिर आपको लिखना है कि ये 10 रुपीज़ है तो आपको 10 लिखना है, 5 रुपीज़ है तो 5 लिखना है, 20 रुपीज़ है तो आपको 20 यहाँ पे लिखना है, और इस तरह से आप अपने नोट रखें और आप अपने पर्स में रख सकते हो। तो यहाँ तक मैं ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आपको होमवर्क में ये पर्स बनाने की और जो कॉइन्स बनाने की एक्टिविटी है वो आपको घर पे करनी है।